हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। आज मैं हूँ महासमुंद रेलवे स्टेशन पे। आज इनॉग्रल जर्नी होने वाली है दुर्ग विशाखापट्टनम नई नवेली वंदे भारत एक्सप्रेस की, जो कि आज रायपुर से विशाखापट्टनम के लिए चलेगी इनॉग्रल स्पेशल के तौर पे, और 20 तारीख से इसका रेगुलर रन है। रायपुर से विजयनगरम का जो सेक्शन है उसके बीच में ये पहली वंदे भारत ट्रेन होने वाली है, तो आप वीडियो को आखिर तक देखिए। इस ट्रेन के बारे में, टाइम टेबल के बारे में हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और वंदे भारत के सारे फीचर्स आपको देखने मिल जाएंगे। ये तो छोड़िए इनॉग्रल है, अगर मैं रेगुलर जर्नी की बात करूं तो दुर्ग से ये रेगुलर जर्नी में 20829 ट्रेन नंबर बन के चलेगी। सुबह 5:45 पे रायपुर पहुँचेगी 6:13, छोड़ेगी 6:18 को। इसी तरह महासमुंद खरियार रोड कंटाबांझी स्टॉप लेते हुए टिटलागढ़ पहुंचेगी, टिटलागढ़ से छोड़ेगी 8:45। उसके बाद केसिंगा पे होल्ड लेगी, रायगढ़ा 11 बजे, पार्वतीपुरम, विजयनगरम और आखिर में जाके 1:45 दोपहर ये ट्रेन पहुंच जाएगी अपनी विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। वहाँ से रिटर्न की जो है 20830 बन के चलेगी डाउन ट्रेन, वो 2:50 को निकलेगी विशाखापट्टनम से, और सेम होल्ड पैटर्न यानी कि विजयनगरम, पार्वतीपुरम, रायगढ़ा और केसिंगा टिटलागढ़ पहुँचेगी फिर 7:05 को शाम। रायपुर जाके पहुँचेगी 10:19, दुर्ग जाके पहुँचेगी 10:50 पे। ऐसा कुछ होने वाला है टाइम टेबल। इसका एवरेज स्पीड अगर हम बात करें तो 70.62 KMPH का एवरेज होने वाला है। 565 किलोमीटर की जर्नी 8 घंटे में ये ट्रेन कवर करने वाली है। आज की जो इनॉग्रल जर्नी है ये मैं करने वाला हूँ महासमुंद से लेकर रायगढ़ रेलवे स्टेशन तक, यानी कि संबलपुर डिवीज़न जितना है उतना तक। तो वेट करते हैं हम महासमुंद में इनॉग्रल स्पेशल के पहुँचने का। टाइम शाम के 5 बजे का है, थोड़ा प्रीपोन होने की भी सूचना आई थी, देखते हैं कब पहुँचती है। मिलता हूँ आपसे ट्रेन के अराइवल पे। दुर्ग विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस। और ये हम चढ़ चुके हैं वंदे भारत एक्सप्रेस में महासमुंद रेलवे स्टेशन पे। रायपुर से बहुत से स्कूल बच्चे ऑन बोर्ड हुए थे, वहाँ पे डिबोर्ड कर गए। ये हम डिपार्ट कर दिए महासमुंद रेलवे स्टेशन से। अगला हॉल्ट हमारा होने वाला है खरियार रोड। ये भी छत्तीसगढ़ी था, आने वाला भी छत्तीसगढ़ी होगा राज्य। उस साइड से बैठेंगे मानस। हां इस साइड से हॉल बहन आना। क्या आना? आगे पीछे जाना है। कोई आए तो अच्छा लगा। ये वीडियो मैं एक्सेलरेशन दिखाने के लिए बना रहा हूँ। अभी लगभग 30 KMPH की स्पीड में चल रही है गाड़ी। भारतीय रेल महासमुंद, हाँ 35 है, स्टेशन से आने वाले सभी यात्रियों का स्वागत करती है। महासमुंद स्टेशन प्रयाणించే यात्रिकुलंदरिकी స్వాగతం।
97 106। इस रूट की अधिकतम गति 110 की है और ये हम टच कर चुके हैं 109, यानी कि ऑलमोस्ट 110 टच कर चुके हैं MPS। कितनी जल्दी हमने टच कर लिया आप देख सकते हैं। एक ही वीडियो में आप सारे फीचर्स देख लीजिए यहाँ के। चेयर कार वाले में ऐसा कुछ सीट है और पुश बैक के लिए ये जो बटन है इसको दबा के पीछे कर सकते हैं। ये नॉर्मल है और वो पुश बैक वाला है। इतना पुश बैक होता है। यहाँ पे आपको स्पीड दिखा देगा, कोच का नंबर दिखा देगा और ग्रीट करने का वो मैसेज आ जाएगा। ये 32 इंच का स्क्रीन पे है, स्क्रीन तो है यहाँ पे 32 इंच, तो भाई टीवी लगा देते हैं लोग। यहाँ पे सब इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, टाइम हो गया, अगला स्टेशन हो गया, स्पीड हो गया, सब आ गया। और इमरजेंसी के लिए अलार्म है यहाँ पे, हथौड़ा भी दिया गया है। इमरजेंसी सिचुएशन में ये इमरजेंसी विंडो को तोड़ सकते हैं। रीडिंग लाइट्स है, जस्ट टैप ओके। और लाइटिंग तो बहुत बढ़िया है ही। ये फायर अलार्म है, हम आ गए पेंट्री, मिनी पेंट्री के साइड पे। मिनी पेंट्री में इनके पास है अपना हॉटकेस है, तीन हॉटकेस है। बाद में यहाँ पे डीप फ्रीज़र भी है, खाना ठंडा गर्म कुछ भी करना हो यहाँ पे पानी भी आ जाता है, गर्म पानी ठंडा पानी सब। ये तो डोर का एरिया है, ये ऐसा कुछ दिखता है। अभी हर कोच में इमरजेंसी टॉकबैक यूनिट रहता है, अगर आपको ज़रूरी हो तो आप लोको पायलट से डायरेक्ट बात कर सकते हैं पुश टू टॉक फीचर का यूज़ करके। हर कोच में 4 वॉशरूम आपको मिल जाएंगे, वेस्टर्न स्टाइल इंडियन स्टाइल दोनों है। ये वॉश मशीन बाहर पे नहीं मिलेगा जैसे LHB कोचेस में जनरली मिलता है, सिर्फ बाथरूम के अंदर ही मिलेगा आपको। और ये जो आपको ड्रायर है, यहाँ पे आपका सॉप डिस्पेंसर है, यहाँ पे प्रेगनेंस के लिए दिया जाएगा। फायर एक्सटिंग्विशर अंदर भी दिया गया है, CCTV लाइट्स हैं हर जगह पे, यहाँ पे कोच के अंदर फर्स्ट एड किट है और गैंगवे पूरा सील है ताकि बाहर की नॉइस आपको ना आ सके, बाहर की नॉइस मिनिमल ही आएगी। जो डोर्स हैं ये पुश टू ओपन है, मतलब ये नॉर्मली तो बंद रहेंगे लेकिन आप पुश करोगे, इसको दबाओगे स्विच को तो ये ओपन हो जाएंगे। अभी शायद इनॉग्रल के लिए बहुत लोग आ रहे हैं इसलिए इसको ऑन रख करके छोड़ दिया गया है, वरना ये बंद होकर रहेगा जब तक आप दबाओ नहीं बटन को। ट्रेन हमारी लगातार 110 पे भाग ही रही है। ये देखिए सन ब्लाइंड्स हैं जिसको आप किसी भी पोजीशन में रख सकते हैं और जब चाहे जितना चाहे ऊपर कर सकते हैं या नीचे कर सकते हैं। एक बढ़िया फीचर है, पहले क्या होता था LHB में दो ही पोजीशन थे, या तो आधे में रखे या तो पूरा लास्ट तक रखिए। खाने का ट्रे जो है कुछ ऐसा रहने वाला है एयर कार के कोच में, सही है। अगर यहाँ पे कुछ बैग वगैरह रखना हो तो रख सकते हैं। अपना चार्जिंग सॉकेट सब नीचे मिलेगा आपको, ये देखिए नॉर्मल सॉकेट है, USB टाइप ए है, यानी कि नॉर्मल USB, किसी से भी आप चार्ज कर सकते हैं। फुटरेस्ट तो अच्छा है ही, बोतल होल्डर नीचे, ये थोड़ा पोजीशन और लग सकता है, फुटरेस्ट सही है, लेग स्पेस आपको बढ़िया मिल जाएगा, एग्जीक्यूटिव की ज़रूरत नहीं है। और ये थोड़ा पैर रखने पे लग रहा है, ये जो अपना बोतल होल्डर है, हाँ अगर ऊपर कर दें तो सही है, ऊपर नीचे कर सकते हैं आप फुटरेस्ट को।
बाग बहरा स्केप फ्लैट 110 अभी अपनी ट्रेन कंटा भांजी पहुँच चुकी है। नेक्स्ट स्टेशन है टिटलागढ़ जंक्शन। खैर रात को तो कुछ दिखाने से रहा, बाहर पूरा अंधेरा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। डायरेक्ट अपने आपसे मिलता हूँ टिटलागढ़ जंक्शन पे। यहाँ पे बहुत भीड़ हो रही है। पहुँच चुके हैं हम लोग टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन पे, टिटलागढ़ जंक्शन। कमर्शियल रन में यहाँ पे होगा इस ट्रेन का क्रू चेंज। 2 मिनट का होल्ट है, वैसे 5 मिनट लगभग लग जाएंगे। यहाँ पे इनॉग्रल में यहाँ पे जितने भी लोग इससे पहले के स्टेशन में आए थे वो लोग सब उतर रहे हैं और बैक करेंगे। आप उत्साह देख सकते हैं, कितनी भीड़ इकट्ठा हुई थी यहाँ पे। मैं निकल नहीं रहा क्योंकि किसी भी मोमेंट पे डोर बंद हो सकता है और मैं बाहर रुक जाऊँगा। और ये लोकल लोग हाई कर रहे हैं, लोकल बच्चे। और हम डिपार्ट कर चुके हैं टिटलागढ़ रेलवे स्टेशन से। डिपार्टिंग टिटलागढ़ जंक्शन, डिपार्टिंग टिटलागढ़। अगला स्टेशन है केसिंगा। नमस्कार दोस्तों, मुझे मेरा स्वागत है आपका। देखो मेरी रात ये हो रहा है। नमस्ते नमस्ते, जय श्री राम, जय जगन्नाथ। अब हम लोग पहुंच चुके हैं केसिंगा रेलवे स्टेशन पे। कमर्शियल जर्नी में ये हमारा 6ठा कमर्शियल स्टॉप होने वाला है। केसिंगा में स्टॉप इसीलिए दिया जाता है क्योंकि यहाँ से कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट के भवानीपटना जाने के लिए या जूनागढ़ जाने के लिए सुविधा अच्छी खासी है बसेस की, इसीलिए यहाँ से कालाहांडी के लोग उतर के जाते हैं। और इसके बाद हमारी ट्रेन डायरेक्ट रुकने वाली है रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे। 127 किलोमीटर का नॉन स्टॉप रन रहने वाला है। ये हम निकल गए केसिंगा से। अब अंधेरे में रायगढ़ तक का सफर होगा। अभी मैं एग्जीक्यूटिव क्लास में हूँ। इसमें क्या होता है कि ट्रे हर सीट के लिए सेपरेट उसी के हैंडल के अंदर रहता है। ये फोल्ड होगा यहाँ से। पहले क्या होता था, एक और फोल्ड होकर निकलता था, लेकिन इस बार सिंगल पीस कर दिया गया है ताकि ज़्यादा वाइब्रेट ना हो ये टेबल, तो स्टडी रहेगा। लेकिन शायद ये वाइड कम हो गया है, जो लंबे ट्रे हैं इसमें डाउट हो रहा है कि इसमें हो पाएंगे या नहीं साइज में, ऐसा कुछ है। बाकी ये 360 डिग्री रोटेट होता है, अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हो तो आप आमने सामने बैठ के आराम से बातचीत करके जा सकते हो, या फिर विंडो की साइड पे मुंह करके बैठ सकते हो आराम से, ये बेहतर है। लेकिन इसका प्राइस सीसी के पूरा डबल है, इसलिए इतना वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर आप दे सकते हो तो अच्छी बात है, वरना सीसी मैं प्रीफर करूँगा और रिकमेंड भी करूँगा। वंदे भारत के टिकट में बाय डिफ़ॉल्ट मील जो इंक्लूडेड रहता है, अगर आपको नहीं चाहिए IRCTC का फूड तो आप उसको ऑप्ट आउट कर सकते हो, यानी कि फूड प्रिफरेंस में नो फूड लिख सकते हो, उससे वो पैसा माइनस हो जाएगा। इनकेस आपको लगता है कि ये फूड वर्थ इट नहीं है, आप घर से खाना खा सकते हो या किसी होटल में बाहर जाके खाओगे, तो इस केस में आप माइनस कर सकते हो पैसे को, और ये और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग को लगता है ये बहुत ज़्यादा महंगा है, क्योंकि कैटरिंग के चार्जेस इंक्लूडेड रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं नॉर्मली। लांजीगढ़ स्किप कर रहे हैं हम लोग, और अभी ये डिनर दे दिए गए, ये दही है। हाँ, ये जस्ट नॉर्मल वेज बिरयानी है, पुलाव
चॉकलेट पिकल और एक गुलाब जामुन, बस इतना ही। ओ भाई मन गंदा आसे तो अच्छे हो बाहर के नहीं छोड़ बार वाला हमें गोले आके नहीं छोड़ ये एटा खोलवा के नहीं नहीं ऑटोमेटिक शेयर कर शेयर कर ले ले ना ये अच्छा है गेट ओसे जे जनर प्लेटफार्म लाओ छोड़ नहीं ना ना ये ऑटो खोल जा सिर्फ अच्छा ये उसको दूर हो चल 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 रो उतरे पा के दियो टैक्सी पा के दियो 10 मिनट रुक ले खाली पा के दियो उतरे पा के दियो 10 मिनट खाली हो ना खाली है हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रायगढ़ रेलवे स्टेशन पे। रात के 10:03 हो रहे हैं, फिर भी आप भीड़ देखिए रायगढ़ स्टेशन पे कितनी ज़्यादा है। बता दूं कि विशाखापट्टनम की साइड से भी एक वंदे भारत ले रेक को लेके इनॉग्रल सेरेमनी किया गया था, वो भी रायगढ़ तक ही आ रही थी। ये भी रेक जा रही है टिल विशाखापट्टनम, फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ है। रायगढ़ की ये पहली वंदे भारत है। हमारी जर्नी भी यहाँ रायगढ़ पे ही ख़त्म होती है। अपनी वंदे भारत तो निकल चुकी है, फिर मैं आपको बताना भूल गया था कि ये 16 कोच वाली वंदे भारत है, जिसमें 14 नॉर्मल चेयर कार के और 2 एग्जीक्यूटिव क्लास के सीट रहेंगे, कोचेस रहेंगे। टोटल लगभग 1024 के आसपास सीट्स रहेंगे इसमें। तो क्या लगता है आपको, क्या ये सक्सेसफुल होगी? मुझे तो लगता है 8 कोच देना ही सही था, 16 दिया गया, 16 के हिसाब से ये रूट नहीं है। खैर जो भी हो, 20 तारीख से इसका जो कमर्शियल रन शुरू हो रहा है, आप जाके IRCTC पे बुकिंग कर सकते हैं। और हाँ, जो फूड है वो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं अगर आपको खाना नहीं खाना वहाँ से और फेयर को कम करना है। तो बस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट किसी वीडियो में। बाय।